जय मां भवानी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठौर रिएक्शन में। मैं राज बना हाजिर हूं आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर, और आज का हमारा वीडियो है ये। आज हम लेके आए आपके लिए Q&A, यानी कि आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। कोशिश की मैंने कुछ कमेंट लेने की, लेकिन हो सकता है कुछ कमेंट छूट गए होंगे। कोई बात नहीं, आप कमेंट करते रहिए, अगले Q&A में आपके कमेंट जरूर ऐड किए जाएंगे। सबसे पहला कमेंट किया है रोहित सिंह, ये लिखते हैं कि भाई आपकी वीडियो देखने लगता हूँ तो नींद ही नहीं आती है, आपको सैल्यूट है भाई, आप ग्रेट हो। थैंक यू रोहित जी, ये आपका प्यार बोल रहा है, यही प्यार यही सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। अगला कमेंट किया है दीपा सिंह राघव, ये लिखती है हुक्म राजपुतानी ने हौसला बांधा उनका, तभी वो इन सब कर्जों से छूट पाए। हुक्म बहुत अच्छी स्टोरी है, ऐसी स्टोरी बुक में क्यों नहीं आती, आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी स्टोरी बुक में आनी चाहिए, एक राजपुतानी और राजपूत का वो शौर्य, एक राजपुतानी ने अपने पति का हौसला बढ़ाया, यही तो एक सच्ची क्षत्रानी का धर्म है, एक सच्ची क्षत्रानी की पहचान है। और ऐसी कहानी हमारी बुकों में आए तो शायद आज बात ही कुछ और हो। अगला कमेंट किया है श्वेता शर्मा, ये लिखती है आप गाए थे काए अकबर ने अकबर के टाइम में, गाय काय लाई खाई माई शाई। बस करो यार। अगला कमेंट किया है अरमान मंसूरी, ये लिखते हैं भाई शायद तू भूल गया है तो बता दू, अकबर के खोब से महाराणा प्रताप किला छोहड के बाग गए। खोब ये लिख रहे हैं शायद कि अकबर के खौफ से महाराणा प्रताप जी किला छोड़ के भाग गए। अरे महाराणा प्रताप और अकबर के खौफ से, अरे अकबर को महाराणा प्रताप का खौफ था, जो वो कभी भी महाराणा प्रताप जी के सामने युद्ध लड़ने नहीं आया, बात करता है। अगला कमेंट किया है सतीश राजपूत, ये लिखते हैं भाई साहब आप इन फोकट लोगों के चक्कर में मत आओ, आप बहुत ही अच्छे वीडियोज़ और जानकारी देते हो, भाई साहब आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो। थैंक यू सतीश जी, मैं वैसे भी इन लोगों को मुंह नहीं लगाता हूँ, लेकिन कहते हैं ना आगे बढ़ने के लिए ऐसे लोगों की भी बहुत ज़रूरत होती है, और वैसे भी इनके लिए मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, भाड़ में जाओ। अगला कमेंट किया है मिस्टर ब्रांडेड बना, ब्रांडेड बहुत अच्छा नाम है भाई, बना हो तो ब्रांड तो हो ही। ये लिखते हैं कि जय मां भवानी की सा राज बना, हुकम बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे, आभार हुकम आपका। थैंक यू हुकम, आपके इस कमेंट को पढ़कर दिल खुश हो गया। अगला कमेंट किया है राजेश सिंह, ये लिखते हैं कि भाई साहब कॉपी है आपका वीडियो, ये इन्होंने कमेंट किया है एक राजपूत और राजपुतानी का जो मैंने वीडियो बनाया था सूर्य गाथा, जो कि छोटा राजपूत पर थी, उसके ऊपर ये लिख रहे हैं कि कॉपी है। अरे भाई साहब इस वीडियो को एडिट करने और बनाने मुझे 8 से 10 दिन लग गए थे और आप बोल रहे हो कॉपी। आपको मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए, अब शौर्य गाथाएं पहले राजा महाराजों की तो वही मैं बताऊंगा, अब उसे आप कॉपी, मतलब शायद मैं महाराणा प्रताप जी का हल्दीघाटी का युद्ध बताऊं कोई और भी बनाए तो वो कॉपी नहीं हुआ, उसने अपनी कोशिश की है, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं क्या। अगला कमेंट किया है बाबू सिंह रावणा, ये लिखते हैं हुकम बनासी इतना दिन कहाँ थे, बहुत बढ़िया हुकम आप वापस लौट कर आए यूट्यूब में और सब बढ़िया है, लेकिन आपका लुक मस्त है मुझसे, अरे आपसे थोड़े मस्त है, आप तो मतलब बहुत हैंडसम हो, और आज से मेरी तरफ से एक नाम आपको नया दिया जाता है, हैंडसम मैन बाबू सिंह रावणा। और आगे आप लिखते हैं कि आपकी क्या बात है, जय श्री हुकम जय मां भवानी। थैंक यू बाबू सिंह जी, यही प्यार यही सपोर्ट बनाए रखिए। अगला कमेंट किया है अलविशा खान, और मैं इस कमेंट को बेस्ट कमेंट का अवार्ड दूँ तो भी बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने लिखा है हम मुस्लिम होने के बावजूद आपके राजपूत समाज से प्यार करते हैं, आपकी हर वीडियो मुझे बेहद पसंद है, आपके वीडियो से बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलता है, आभार आपका, जय मां भवानी जय महाकाल जय राजपुताना।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके इस कमेंट से अच्छे अच्छे लोगों के मुंह पे तमाचा मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग राजपूतों को सही नहीं मानते, लेकिन जिनके अंदर अक्ल है, थोड़ी बहुत सोच है, वो लोग जानते हैं कि राजपूतों ने इस देश के लिए क्या किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अलविशा जी। अगला कमेंट किया है जीत बना हमीरा, ये लिखते हैं कि नाइस गुरु जी। गुरु जी तो चलिए शुरू करते हैं। ये लिखते हैं इसी तरह वीडियो बनाओगे तो हम युवाओं को प्रेरणा मिलती रहेगी। जय मां भवन जय जय। बिल्कुल जीत बना, आप मेरे पड़ोसी है और बहुत अच्छे इंसान है, और आपको मैं प्रेरणा देता रहूँगा। ये लो प्रेरणा मिली। अगला कमेंट किया है चौधरी साहब, और आगे कुछ इंग्लिश में लिखा है, मुझे इंग्लिश नहीं आती। चौधरी साहब लिखते हैं अकबर का नाम नहीं ले तू, समझता हूँ मैं, और फिर पीछे हे करके इन्होंने कुछ इमोजीज डाले। तो चौधरी साहब को बता दूँ, मैंने वीडियो बनाया था भारत के 5 महान योद्धा, तो मैं अकबर का नाम क्यों लिखूँ? भाई साहब, मैंने 5 महान योद्धाओं के बारे में बताया था, 5 कायर योद्धाओं के बारे में नहीं। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साल। अगला कमेंट किया है राठौड़ सरदार जी ने, आपका नाम भी मुझे बहुत पसंद आया। हुकम, आपको तो राजपूतों का इतिहास बचाने और फैलाने के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। आप लोग मेरे लिए अवार्ड से कम थोड़े हो। अब मेरे पास करीब 2 लाख के करीब अवार्ड है। आप लोग अनमोल हीरे हो, मुझे किसी अवार्ड की जरूरत नहीं है, बस आपके साथ की जरूरत है, और ऐसे और हीरों को जोड़िए हमारे साथ, यही चाहिए मुझे। अगला कमेंट किया है, चाय लाइए। ओ सॉरी। अगला कमेंट किया है भाटी हमीरा, ये लिखते हैं हम भगवान से दुआ करते हैं आपका चैनल राठौर रिएक्शन इसी तरह आगे बढ़ता रहे और जल्दी ही आपको गोल्ड बटन मिले। सौजन्य से बाबा रामदेव ट्रस्ट हमीरा, ये हमारे गांव का युवाओं का एक ट्रस्ट है और बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे इसी तरह बढ़ते रहो, हमारी भी भगवान से यही दुआ है, थैंक यू। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।